जी रिश्वेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। रिश्वेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 4 में हैं, चैप्टर के फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स में। और आज हम चैप्टर 1 में हम बात करेंगे फिजिक्स के अंदर ड्राइव क्वांटिटीज की। अब ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती हैं, हम अगर इसके ऊपर बात करें स्टूडेंट्स, ये ऐसी क्वांटिटीज हैं, दो क्वांटिटीज which are expressed, जो बताई जाती हैं, ठीक है, that are expressed in terms of base quantities। तो आपने याद रखना है कि जो ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं उनको बेस क्वांटिटीज की मदद से ही बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि जितनी भी ड्राइव क्वांटिटीज आपके सिलेबस में हैं उनको हम अभी लिख लेते हैं, उनको पहले याद कर लेते हैं, फिर उनके ऊपर मजीद बातें करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने जो है अब कुछ बताई हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज, जिसमें एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक्सेलरेशन, प्रेशर, डेंसिटी, ये सब है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो ड्राइव क्वांटिटीज को मतलब डेफिनेटली उनको बेस क्वांटिटी से लिया गया। लेट्स से दैट हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी है स्पीड। तो स्पीड बेसिकली बनती है दो बेस क्वांटिटीज को मिलाकर, दैट इज बेसिकली द मेजरमेंट के लिए मीटर यानी साइज। डेफिनेटली स्पीड, अगर आपने किसी चीज की मेजर करनी है तो आप देखेंगे डिस्टेंस कितना कवर हुआ है और टाइम कितना लगा है। लिहाजा मीटर पर सेकेंड यानी कि आप इसका यूनिट यूज करेंगे स्पीड का, क्योंकि डेफिनेटली स्पीड आप तभी तयन लगा सकते हैं ना कि लेट्स से दैट 1 किलोमीटर का रोड है, तो अगर वो 1 किलोमीटर यानी किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर, 1000 मीटर का जो एक एरिया कवर हुआ है उसको कितना टाइम लगा, लेट्स से दैट उसको 10 सेकंड लगे, तो आपने कहा स्पीड जो है वो 1 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से जो है वो मतलब 10 सेकंड में कवर कर रहा है किलोमीटर। और लेट्स से दैट कि अगर हम फॉर एग्जांपल वही एरिया हम 5 सेकंड में कर लेते हैं कवर 1 किलोमीटर का 5 सेकंड में, तो लिहाजा आपको कि स्पीड जो है वो कदरे बेहतर है, बिकॉज 5 सेकंड में 1 किलोमीटर जब कवर किया जाएगा तो आपको कि स्पीड जो है वो तेज है। तो लिहाजा आप स्पीड तेज है या स्पीड कम है ये डिपेंड करेगा किस पर, दो क्वांटिटीज पर, एक है टाइम, एक है मीटर, जिसको आपने मीटर के लिए जो एक बेस क्वांटिटी इस्तेमाल की थी मेजरमेंट के लिए वो बताया मुझे कौन सी थी, That was length। तो लिहाजा आप कह लेंगे लेंथ के लिए हमने मीटर का जो था एक यू नो इंटरनेशनल यूनिट यूज किया था, और टाइम के लिए हमने सेकेंड का इंटरनेशनल यूनिट यूज किया था। और फिर अगर लेंथ को और टाइम को मिला दें तो फिर इनका जो एक कह लेंगे प्रोडक्ट है वो बनेगा आपके हिसाब से स्पीड, यानी कि सॉरी लेंथ और टाइम को डिवाइड कर दें, क्योंकि मैं पर सेकेंड कह रहा हूँ ना आपको, लेंथ और टाइम को क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो फिर एक जो एक बेस क्वांटिटी बनेगी सॉरी एक ड्राइव क्वांटिटी बनेगी वो होगी स्पीड। इसी तरह से हम एक और को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए हम जो है यूज करेंगे एक्सेलरेशन, हम यूज कर लेते हैं, और इसके लिए यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, यानी यहाँ पर हम टाइम का स्क्वेयर लेंगे। तो स्टूडेंट इसी तरह से जो है हम वॉल्यूम को ले लेते हैं, वॉल्यूम जो है वो हम लेंगे क्यूबिक मीटर, यानी कि मीटर का क्यूब ले लेंगे तब जाके ये बेस बनेगी, ठीक है। 3 टाइम्स अगर आप किसी शहर को मेजर करेंगे तब जाके आप किसी का वॉल्यूम लेंगे। तो इसी तरह से हमारे पास एक यूनिट और है जिसको हम कहेंगे फोर्स। तो फोर्स यहां पर ये लिखा हुआ है, दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसके लिए जो है आप तीनों मतलब वजन के लिए, मास के लिए, लेंथ के लिए और टाइम के लिए एक ही सिंबल यूज करेंगे, दैट इज N। N का मतलब है न्यूटन, यानी फोर्स का यूनिट जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इन तीनों इतना बड़ा यूनिट लिखने की बजाय N लिख लेंगे तो एक ही बात है, तो मतलब उसको सिंबलाइज कर दिया गया N के साथ यानी न्यूटन के साथ। इसी तरह से हमारे पास एक और है प्रेशर, प्रेशर होता है पास्कल यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर ये है, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी आप इसको लिख सकते हैं पास्कल, ठीक है। पास्कल भी एक यूनिट है। अगर आप कहेंगे सर आप ये एन को जस्टिफाई करें तो मैं लिखूंगा किलो ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और मीटर
का स्केयर, क्योंकि ये इस वैल्यू को मैं जो है न्यूटन लिख रहा हूं और इस वैल्यू को मैं मीटर स्केयर लिख रहा हूं। तो आप जो है इसको इस तरह मेमोराइज कर लेंगे तो ये भी एक यूनिट बन जाएगा। इसके अलावा अगर मैं मजीद आपसे बात करूं तो मैं आपकी डेंसिटी की बात करूंगा, दैट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसी तरह से जो है अगर आप मुझसे बात करेंगे कि सर आप चार्ज का बता दें तो कूलम, ठीक है, इसका होगा यूनिट, या एमस्ट्रॉन्ग चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज हो सकता है, या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, तो चार्ज का यूनिट होगा कूलम। तो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसका यूनिट आपने कूलम जो है वो मेमोराइज करना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है बेसिकली ड्राइव क्वांटिटीज, ड्राइव क्वांटिटीज में, और बाकी जिनके मैंने नहीं लिखे आपने कमेंट में अभी मुझे इनके यूनिट्स जो है वो लिखकर बता देने हैं। तो स्टूडेंट्स अभी मैं आपसे मजीद बात करना चाहूंगा। तो स्टूडेंट्स अब लेट्स से दैट वी हैव अ टॉपिक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी एसआई यूनिट्स। तो अब लेट्स से दैट हमने कहा जी 1 किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम जो है ये कितना होता है, दैट इज अ काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। लेट्स से दैट मैं कहूँ जी 1 किलोग्राम इतना होता है, किसी को क्या इससे गर्ज है? अगर मैं कहूँ जी नहीं जी 1 किलोग्राम तो इतना बड़ा लोहे का पीस होगा तो होगा, तो पूरी दुनिया में 7 बिलियन लोग रहते हैं, तो लेट से दैट के उनमें से 3 बिलियन ने कहा कि 1 किलोग्राम इतना होगा और 4 बिलियन ने कहा कि इतना होगा। तो डेफिनेटली फिर आप मेजोरिटी अथॉरिटी की तरफ चले जाओगे और आप कहोगे ठीक है जी एक स्टैंडर्ड सेट हो गया। तो आपने कहा ठीक है जी हमारे पास 1 किलोग्राम जो है वो इतना होगा, ठीक है, मतलब एक पत्थर आपने ले लिया और फ्रांस में म्यूजियम में आपने वो पत्थर जाके रख दिया और बता दिया कि ये स्टैंडर्ड सेट हो गया, अगर इस बराबर वजन आएगा उसको 1 किलोग्राम कहा जाएगा। तो ये हमने फिर सबने मान भी लिया, ठीक है, हर कोई अब बहस नहीं कर सकता इसके ऊपर कि 1 किलोग्राम में थोड़ा वजन होगा या ज्यादा होगा, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया कि भाई अब इतना वजन होगा, तो लिहाजा उसी स्टैंडर्ड को अब हर कोई फॉलो करेगा। तो लिहाजा आप बोल देंगे कि ये होगा एक स्टैंडर्ड कह लें कि वजन, तो उसको हमने इंटरनेशनल सोसाइटी बना दी। इंटरनेशनल सोसाइटी में फिर वो सब्जेक्ट लेट्स से दैट अब कोई कहता है जी इतनी लेंथ होगी तो 1 मीटर होगी, कोई कहता है जी नहीं इतनी लेंथ होगी तो 1 मीटर होगी। तो फिर हमने इस एम्बिग्विटी को दूर करने के लिए एक लेंथ मुकर्रर ही कर दी, ठीक है, लेट्स से दैट कि इतनी लेंथ होगी, राइट, इतनी लेंथ यहाँ तक, ठीक है, हाथ के स्टार्ट से हमने सबने फिर एक ही सबने डिसीजन ले लिया, ठीक है जी इतनी लेंथ होगी तो 1 मीटर होगी। तो फिर हमने अब इससे 2 मीटर होगी तो इससे डबल हो जाएगा, 3 मीटर होगी इससे ट्रिपल हो जाएगा, हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया सबने पूरी दुनिया के इंसानों ने मिलकर। तो फिर उसको हमने साइंटिफिक सोसाइटी के म्यूजियम में रख दिया और हमने कहा ये है जी 1 मीटर लेंथ और पूरी दुनिया में अब इसी लेंथ को जो है मेजरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और फिर एक स्टैंडर्ड सेट हो गया। तो हम इसे कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, राइट। तो ये टॉपिक आपका हमने लिखा है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। बेसिकली आपने ज्यादा काम बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी के यूनिट्स पे करना है, इस चीज को समझने में नहीं करना कि कोई स्टैंड कैसे सेट हो गया। अब जिस तरह भी कोई स्टैंड सेट हुआ है वो सेट हो चुका हुआ है, उसका उससे आपका कोई कंसर्न नहीं है, आपका तो बस ये कंसर्न है कि लेंथ का यूनिट है क्या वो मीटर है, इस तरह स्पीड का यूनिट है क्या वो मीटर पर सेकेंड है, बस आपने ये याद रखना है। अगर आप ये याद रख लेंगे तो दैट विल बी अ थम्स अप थिंग फॉर यू। और फिर हमने आज बात की आपसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर, और इतना मैं बताता चलूँ आपको जो आपकी बुक में कम से कम लिखा हुआ है कि इन्होंने लिखा हुआ है कि ये जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस में, पेरिस डेफिनेटली फ्रांस की बात मैंने आपसे की है, तो 1960 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बना देना चाहिए। तो फ्रांस के अंदर पेरिस के अंदर, यू नो पेरिस इज अ काइंड ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग सिटी, तो वहां पे जो है ये सारी मीटिंग हुई और उन्होंने फिर एक स्टैंडर्ड यूनिट्स का वहां पर एक म्यूजियम बनाया और वहां पे सारे स्टैंडर्ड्स को जाकर रख दिया गया, और फिर अब पूरी दुनिया जो है 1960 से लेकर अब तक उसको फॉलो भी कर रही है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स हम बेस यूनिट्स की बात करेंगे, तो मैंने बेस यूनिट्स की बात आपसे पिछले लेक्चर में कर ली थी, लेक्चर नंबर 3 में, लेक्चर नंबर 4 है, और लेक्चर नंबर 4 में मैं आपसे ड्राइव यूनिट्स की बात भी कर ली है तकरीबन, और मैंने कहा जो मैंने नहीं की वो आप कमेंट्स में मुझे करके बता दें। तो यह था हमारा लेक्चर जिसमें मैंने आपको ड्राइव क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज के बारे में सारा इल्म दिया, सारी बातें आपसे शेयर की और उनके सिंबल्स भी बताए, इनके नेम भी बताए, राइट। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे ये करूंगा कि ये प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा कि जो ग्राम अगर यूनिट है तो फिर ये पीछे जो लगा हुआ
एक हमारे पास सिंबल है दैट इज किलो। तो ये प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, तो मतलब हम थोड़ी बहुत ही बातें नहीं करेंगे, प्रीफिक्सेस भी तकरीबन सारी ही कर लेंगे क्योंकि एक टेबल दिया हुआ है टेबल नंबर 1.3, उसके अंदर सारे प्रीफिक्सेस के बारे में लिखा गया है। तो लिहाजा इन प्रीफिक्सेस के ऊपर हम काम करेंगे, उसको मेमोराइज करने की भी कोशिश करेंगे। आज का क्वेश्चन यही है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज। तो इसको आपने इस तरह से मेमोराइज कर लेना है। अगर आपको मेमोराइज कर लेंगे और कुछ यूनिट्स भी याद कर लेंगे तो पक्की बात है दो नंबर पक्के हैं आपको, एमसीक्यू इसमें से ही आएगा, टेबल्स में से आएगा आपको। तो आप ये यूनिट्स लाजमी याद कर लें कि बेस क्वांटिटीज के क्या यूनिट्स होते हैं और ड्राइव क्वांटिटीज के क्या यूनिट्स होते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में सारा का सारा आपका नोट्स वगैरह बने पड़े हैं और पूरे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट जो है वो मौजूद है और वहां पे जाकर आप सारी चीजों को मेमोराइज भी कर सकते हैं। That's it, thank you so much. अपना ख्याल रखिएगा, चैनल का भी सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा और डिस्क्रिप्शन के लिंक्स लाजमी देख लीजिएगा।